कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने गाजी बंडा के रहने वाले मोहम्मद अनवर के परजंदान को रकमी इमदाद हवाले की। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के गाजी बंडा के रहने वाले मोहम्मद अनवर उर्फ अनु इलेक्ट्रीशियन 14 अगस्त को अली नगर के एक मकान में बर्की बहाल करने गए थे। ताहम बर्की बहाल करने के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से उन्हें बिजली का झटका लगा और वो इंतकाल कर गए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मरहूम के नमाज जनाजा में शिरकत की और वर्सा को महकमे बर्की से इमदाद दिलाने के अलावा अपनी जानिब से भी माली इमदाद की फराहमी का तयखुन दिया। दरियासना उन्होंने मरहूम के मकान पहुँच कर मालिक मकान की जानिब से दी गई रकम भी हवाले की। चालीबंडा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और इस बात की तहकीक कर रही है कि कहीं मकीनों की मुबैना गफलत और लापरवाही इस वाकये का सबब तो नहीं है। जश्न आज़ादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी वो छुटकारा पाए। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयना जात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है, माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्योरामपल्ली राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।